मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मोबाइल कवर बताने वाली हूँ। ये इस तरीके का दिखेगा, ये देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे मैजिक नोट बनाने होंगे। ये देखिए, इसके बाद अपने मोबाइल के साइज़ के हिसाब से आप चैन बनाएंगे। मैंने 13 चैन बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये देखिए, इसके बाद मैं मेज़र करके दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरे मोबाइल के साइज़ के हिसाब से परफेक्ट है। इसके बाद हम लोगों को 3 चेन एक्स्ट्रा बनाने होंगे, और ये जो 13 चेन है इसके बीच में हम लोग डबल चेन बनाएंगे। ये जो लास्ट चेन मैंने बनाया था 13, इसमें 3 डबल चेन बनाने होंगे। तो देखिए, मैं इसको ये जो 3 चेन बनाया है उसको 1 चेन काउंट कर रही हूँ। इसके बाद ये देखिए, ये सेकेंड चेन, और ये थर्ड चेन। इसके बाद वाले चेन में मैं सिंगल डबल चेन बनाऊंगी, एक डबल चेन। ये देखिए, इस तरीके से वाले चेन में हम लोगों ने 3 डबल चेन बनाए। इसके बाद हर एक चेन में एक एक डबल चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे फिर मुझे 3 डबल चेन बनाने होंगे। ये देखिए, मैंने 3 डबल चेन बना लिए। अभी इसमें एक ट्रिक है, मैं बैक साइड से भी जाकर ये जो वी शेप का चेन था उसके बीच में इस डाल के मैं इधर साइड से भी एक डबल चेन बनाऊंगी। तो जो फर्स्ट चेन है उसमें 3 जो पहले मैंने किया था बैक साइड से, 3 डबल चेन बनाएंगे। ये देखिए, 3 बन चुका है। अभी इसके बाद वाले चैन में ये देखिए, इसके बाद वाले चैन में मैंने इस तरीके के डाला और फिर मैंने इसे खींचकर डबल चेन बनाया। इस तरीके से मैं पूरे में डबल चेन बनाऊंगी, और ये लास्ट वाला थ्रेड मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि बाहर वो दिखे नहीं।
बाद में हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे। देखिए इस तरीके से हम लास्ट में आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे 3 डबल चेन बनाने होंगे, 1 2। ये देखिए 3 डबल चेन हम लोगों ने बना लिया। अब इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट करना पड़ेगा क्योंकि ये इस तरीके का, देखिए ये देखिए ये मोबाइल का नीचे का पार्ट ऐसे कवर हो गया। अभी हम लोग फिर चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन और ये 3 चेन। इसके बाद 1 2 और 3rd वाले रो में जाके डबल चेन बनाएंगे। ये 2 चेन हम लोगों ने छोड़ा है, 3rd वाले में जाकर डबल चेन बनाएंगे, 1 2 3 डबल चेन। इसके बाद 2 रो छोड़कर फिर 3rd वाले रो में, ये इस वाले में हम डबल चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 1 2 3rd वाले में इसे ऐसे डबल चेन बनाएंगे। वन टू और थ्री, ये देखिए यहाँ फिर डबल चेन बनेगा। वन टू छोड़कर यहाँ फिर डबल चेन, चेन 1 2 छोड़कर 3rd वाले में फिर से डबल चेन, 1 2 3, ये देखिए वन टू और थ्री, नीचे 1 2 और 3, ये देखिए ये इस तरीके का दिखेगा। इस तरह से यहाँ तक मुझे कंप्लीट करना है। अभी देखिए मैं लास्ट वाले में आ गई हूँ, 1 चेन 2 चेन और 3 चेन। इसके बाद ये लास्ट वाले में 1 2 और 3rd, ये 3
चेन के पास ले आकर डबल चेन बनाऊंगी। अब इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी स्लिपिंग चेन के साथ से। ये देखिए इस तरह से ये इंक्रीज होता जाएगा। ये देखिए मेरा फर्स्ट रो पूरा हो गया। अभी मैं मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखिए अभी हम लोग सेकेंड रो में चलेंगे। सेम तरीके से थ्री चेन बनाएंगे। इसके बाद ये जो मैंने थ्री चेन ऐसे यहाँ जो चेन बनाया था मैंने उसमें फिर डबल चेन बनाएंगे। ये देखिए थ्री चेन। इसके बाद ये वाले जो चेन बनाए थे मैंने डबल चेन उसमें डाल के फिर से डबल चेन। ये देखिए इसमें डाला था मैंने अभी फिर डबल चेन बना के इस होल में। ये देखिए ये जो होल बना है इसमें डालकर ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे फिर थ्री चेन बना के ये डबल चेन जो बनाया था उसमें फिर से डबल चेन बना के ज्वाइंट कर लेंगे। दो चेन बन गया है मेरा। अभी तीसरा चेन इसके बाद ये डबल चेन जो बनाया था उसमें मिलाकर इसे डबल चेन बनाएंगे। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके फिर से आपको यहाँ तक लाके फिर ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। अभी देखिए मैं इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। ये लास्ट में आ गई हूँ मैं। ये थ्री चेन जो मैंने बनाया था उसमें सबसे ऊपर वाले चेन में जाकर एक स्लिपिंग नॉट बना के इन दोनों को ज्वाइंट कर लूँगी। ये देखिए सेकेंड रो बन गया मेरा। इस तरह से मैं मोबाइल के साइज़ का पूरा बना के मिलते हैं। अब मैं लास्ट में पहुंच गई हूं। अब मुझे एक दो घर और बना के इसको अब ख़त्म करती हूं। इसके बाद मैं इसका स्ट्रिप बनाऊंगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसको मेजर करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये ऑलमोस्ट साइज में है मेरे मोबाइल के। इस तरह से मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ। अभी मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी इस
स्लिपिंग नॉट की मदद से। ये देखिए हो गया। अब मैं इसे कट करके अलग करूँगी। ये देखिए मैं इसको लॉक कर देती हूँ ताकि ये बाहर नहीं निकले। ये देखिए ये बन गया। ये मेरे मोबाइल के साइज़ का है। अब मैं इसे आपको स्ट्रिप बनाना बताती हूँ। स्लिपिंग नॉट बनाएंगे। आपको जितना लंबा स्ट्रिप चाहिए उस हिसाब से आप अपना स्लिपिंग नॉट बना लीजिएगा। मैं 32 ले रही हूँ। मैं एक छोटा सा आपको बताने के लिए सिर्फ दिखा रही हूँ। आपको जितना लंबा चाहिए आप उतना लंबा आप बना लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको इसमें सिंगल चैन बनाएंगे ताकि स्ट्रिप थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो मज़बूत होगा। ये देखिए इस तरीके से सिंगल चैन पूरे में बनाएंगे। इस तरह से ये चौड़ा हो रहा है। इस तरह से आप आगे पूरी में बनाएंगे। ये देखिए सिंगल चेन। अब मेरा ये ऐसे इस तरह से कंप्लीट हो गया स्ट्रिंग। अब एक दो बचा है, मैं आपको सिंगल चेन और बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसे कट करके इसको ब्लॉक करूँगी ताकि ये थ्रेड बाहर ना निकले। ये देखिए ये ब्लॉक हो गया। अब ये निडल की सहायता से इसको इसमें स्टिच कर देंगे। आप चाहें तो इस थ्रेड को आप अंदर हाइड कर सकते हैं, इसके अंदर से डालकर इस तरीके से। इस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अब इसको स्टिच करने के लिए अंदर से ऐसे थ्रेड लाएंगे। इस तरह से इसे टाइटली ये कर देंगे। दोनों को टाई कर देंगे ताकि ये धागा निकले नहीं।
अभी अपोजिट साइड में इस तरीके से आप इसको टाइट कर दीजिएगा। और ये देखिए इस तरह से आप ये बना सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा ताकि ये खुले नहीं, क्योंकि मोबाइल का वजन ये अच्छे से ये कर सके। देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए मैंने इसे दोनों तरफ से सिलाई कर दिया है। देखिए इस तरह का हो गया है। अभी मैं इसे कट करके निकाल लूँगी। मैंने आपको दिखाने के लिए ये छोटा स्ट्रिंग रखा है, आप इस तरह से बड़ा स्ट्रिंग रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से।